राजस्थान में बैंकों में आग लगने के बाद उसे बुझाने के उपकरण पर्याप्त हैं या नहीं, कोई पुख्ता जानकारी ही नहीं है। लंबे समय से बैंकों के फायर ऑडिट ही नहीं हो पाए हैं। रिजर्व बैंक में हुई राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में जब यह मसला उठा तो एसीएस गृह राजीव स्वरूप भी हैरान रह गए। बड़ा सवाल यह है कि अगर लापरवाही से बैंकों में आग लगने से लोगों की गाड़ी कमाई खाक हो जाती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या आपकी कमाई बैंकों में सुरक्षित है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि राजस्थान में लंबे समय से बैंकों की फायर ऑडिट ही नहीं हो पाई है, यानी बैंकों में आग लगने के बाद आग बुझाने के उपकरण पर्याप्त हैं या भी नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं। पिछले महीने रिजर्व बैंक में हुई राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में फायर ऑडिट का मामला उठा तो एक बार फिर हलचल शुरू हुई। राजस्थान में विभिन्न बैंकों की लगभग 450 चेस्ट ब्रांच, इन बैंक ब्रांचों में हर साल फायर ऑडिट होना जरूरी है ताकि पता चल सके कि आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन हैं या नहीं। ऐसे में किसी वजह से आग लगने पर हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। दरअसल 18 दिसंबर 2019 को राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई जिसमें फायर ऑडिट का मुद्दा शामिल था। एसीएस गृह राजीव स्वरूप ने तुरंत चेस्ट ब्रांचों की फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए। बैठक के बाद रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक ने एसीएस गृह को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लगभग 450 चेस्ट ब्रांचों की सूची भेज दी। रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक ने फायर ऑडिट के लिए अधिकृत अधिकारियों एजेंसियों की सूची जारी करने का आग्रह किया है। चेस्ट ब्रांचों में करोड़ों के नोट होते हैं जो अन्य बैंक ब्रांचों में भेजे जाते हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही से आग लगी तो लोगों की गाढ़ी कमाई पल भर में स्वाहा हो जाएगी। जब स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किए गए हैं, समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं, तो आज तक भी इस उहापोह की स्थिति की वो फायर ऑडिट कौन करेगा, ये बात समझ से बाहर है। इस बारे में तुरंत प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए और बैंकों के करेंसी चेस्ट की और शाखाओं की फायर ऑडिट की जानी चाहिए। रिजर्व बैंक की ओर से समय समय पर फायर ऑडिट के निर्देश जारी किए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन महाप्रबंधक अमरनाथ ने 31 अक्टूबर 2018 को पत्र लिखा था जिसमें पिछली फायर ऑडिट प्रमाण पत्र की समाप्ति पर दोबारा ऑडिट कराया जाना जरूरी बताया गया। स्थानीय निकाय विभाग ने थर्ड पार्टी फायर ऑडिट कराने की सलाह दे डाली। फायर ऑडिट होने पर बैंकों को रिपोर्ट रिजर्व बैंक के केंद्रीय सुरक्षा कक्ष में भेजना था, लेकिन अभी तक बैंकों में फायर ऑडिट नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहा है। अग्निशमन अधिकारियों की कमी का मुद्दा बैंकों में फायर ऑडिट के आड़े आ रहा है। ऐसे में आरबीआई ने राज्य सरकार से फायर ऑडिट के लिए अधिकृत एजेंसियों और अधिकारियों के नाम तय करने की मांग की है। अब देखना यह है कि गृह विभाग कब तक एजेंसियों या फायर अधिकारियों के नाम तय कर पाता है जिससे फायर ऑडिट समय पर हो। कैमरामैन विजय के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।